हैप्पी मैरिज का एक कंसेप्ट है, वीकेंड को किसी को बाहर लेके जाओ खाने, कुछ तुम भी खुश। यस एंड आई एम डूइंग दैट कंसिस्टेंटली, आप भी फॉलो करो अगर नहीं करते हो तो। या फिर आपके क्या तरीके हैं आप बताओ कमेंट्स में वाइफ को खुश रखने के, आई विल फॉलो दोस। बहुत सारे तरीके होंगे। Hey guys, welcome back to our channel, Dream and Vision में आपका स्वागत है। तीन वीक हो चुके हैं फार्मिंगटन में आके, वो जा रहे हैं सामान ला रहे हैं घर में लगा रहे हैं, बहुत टायरिंग चीज़ें हैं, रोज का काम 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 खत्म नहीं हो रहा है। ऑफिस में नया प्रोजेक्ट है तो उसमें भी बैठना पड़ रहा है, काम बहुत है। सपना, हाउ इज योर एक्सपीरियंस अभी तक का? एक्साइटिंग है, ओवरवेलमिंग भी है, टायरिंग भी है, बट आई कांट कंप्लेन सीरियसली, आई फील रियली ब्लेस्ड। यप, और थोड़ा ब्रेक बनता है, बहुत ज़्यादा काम करने के बाद हर एक को ब्रेक की ज़रूरत होती है, और आज हम वो ब्रेक एंजॉय करने बाहर आ चुके हैं। इस रेस्टोरेंट में ये थोड़ा अलग टाइप का रेस्टोरेंट है, पता नहीं, थोड़ा अमेरिकन है, और नाम है चिली रेस्टोरेंट। चिली बोले तो बहुत खुश हो गया, स्पाइसी फूड बहुत इसके अंदर आए हैं, और फूड ऑर्डर करने वाले हैं, आपको दिखाएंगे फूड, बीवरेजेस भी ऑर्डर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ठीक है, सो सबसे पहले ये ट्राई करूँगा, ये फ्राइड चिकन है और बारबेक्यू सॉस में, नहीं बारबेक्यू नहीं, बफेलो सॉस है, और इसको डीप में डालूँगा और ट्राई करने वाला हूँ। चिकन का जो आउटर क्रिस्पी लेयर है उसकी वजह से मज़ा आ रहा है, भजी जैसा टेस्ट आ रहा है, पकौड़े जैसे आप खाते हो वैसे लग रहा है। ये है चीज़ बॉल, इनको भी ट्राई करूँगा, चीज़ बॉल सपोज टू बी गुड, दे आर नाइस, अच्छा है, सॉल्टी एकदम। इसका भी एक बाइट लूँगा, आपको बताता हूँ। दिस इज़ गुड। मेन कोर्स आ चुका है, सीजर्स है, इसमें हमें मिला है ब्राउन राइस, बीन करी, सम प्रॉन्स, ग्रिल्ड प्रॉन्स है, और सम वेजीज, स्टर फ्राई वेजीज है, उसके साथ में सम ग्रिल्ड चिकन भी है, और उसके साथ साइड्स में है चॉप टमाटोज, अवोकाडो पेस्ट है, सम श्रेडेड चीज़ है, टोमेटो प्यूरी टू पुट ऑन, और उसके साथ में सम क्रीम, और इन सबको हम एक रैप के अंदर डालने वाले हैं, बरीटो रैप्स दिए हुए हैं, और उसके साथ मैं रैप बनाने वाला हूँ। दोस्तों, वन वेरी गुड थिंग आई फाउंड हियर कि अगर आप रेस्टोरेंट में आ रहे हो, आपके बच्चे आपके साथ में हैं और आपको खाना एंजॉय करना है, यू नीड प्राइवेसी, तो बच्चों को उन्होंने अलग सा एंटरटेनमेंट दिया है। खाना पेट भर के खा चुके हैं और अभी सोने का तो मन हो रहा है, बट वी आर नॉट गोना स्लीप बिकॉज ये दिन पूरा हमें शॉपिंग करनी है। आपको एक क्विकली नए शॉप में लेके जाएंगे, यहाँ का बहुत फेमस शॉप है, नाम है बर्लिंगटन। हे गाइस, अभी बर्लिंगटन फैक्ट्री के अंदर आ चुके हैं,
बहुत बड़ा है ये, यहाँ पे हर एक आइटम आपको मिलेंगे, क्लोथिंग से लेके होम डेकोर से लेके आपको बहुत सारे जो ट्रैवल के लिए जो भी चीज़ें आपको लगती है वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगी। सो मेनली फोकस आज का होम डेकोर का है जैसे हम लोग ने कहा, सो आपको भी दिखाएंगे यहाँ पे। हमारा घर पूरा वाइट है और वाइट बैकग्राउंड में हमें कॉन्ट्रास्ट थीम बनाने का प्लान कर रहे हैं हम लोग। ओह दिस लुक्स गुड, आई थिंक एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ ड्रीम, दिस टैगलाइन आई लाइक सो मच दैट प्रॉब्ली आई वुड लाइक टू कीप इट नेक्स्ट टू माई आईज एवरी टाइम। चेकआउट कर रही हूँ यहाँ पे मिरर्स का सेक्शन। मिरर्स तो मेरे बहुत फेवरेट है, मैं दिन में कम से कम 10 या 20 बार मिरर को देखते रहती हूँ और मिरर देखते थे स्पेशली मैं बाथरूम में जाती हूँ। सो आई वॉन्टेड अ बिग मिरर इन द हॉल ताकि मिरर में मैं देख भी सकूँ। और दूसरा ऐसे है कि अगर आप मिरर लगाते हो कहीं पर भी तो इट क्रिएट्स एन इल्यूजन कि आपकी स्पेस बहुत बड़ी है, इसकी वजह से लाइट कलर्स भी यूज़ किए जाते हैं और मिरर्स इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन यूज। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे मिरर्स अच्छे लगे हैं, तो मुझे अच्छा लगा है ये वाला क्लॉक क्योंकि इसमें मिरर भी है और इसमें वॉच भी है, सो इट जस्ट डज डबल वर्क। बहुत ब्यूटीफुल है, हर चीज़ अच्छी लग रही है, तो कौन सी चीज़ ले समझ में नहीं आ रही है, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। दिस लुक्स गुड बिकॉज दिस कम्स विथ नाइस गोल्ड टेक्सचर और उसके साथ में एक्वा ब्लू भी मिक्स हो रहा है और इसके साथ एक सेट है, सो व्हाई नॉट टू कीप इट नेक्स्ट टू ईच अदर। सो वी विल टेक दिस फॉर नाउ, अच्छा नहीं लगा ना तो रिटर्न इजीली होता है यहाँ पे, फिर से लेके आ जाओ इनको और यू कैन रिटर्न देम एंड दे गिव यू फुल, दे वोंट आस्क यू व्हाई यू वांट टू रिटर्न, ये भी चीज़ अच्छी है। तो ध्यान में रखो यहाँ पे कुछ भी लेके जाओ घर में, दो दिन यूज मत करो, आई वुड सजेस्ट दैट, बट करोगे और कुछ क्लीन है अच्छा आइटम है फिर आप रिटर्न कर सकते हो। राइट साइड के वॉल के लिए हमें एक अच्छी सी फ्रेम लेनी है, बट एक्वा होनी जरूरी नहीं है, वी वॉन्ट सम ब्राइट कलर्स टू गो विद द वाइट वॉल। अगर अच्छा लग रहा हो तो डेफिनेटली, अगर आप बोलेंगे सब लोग अच्छा लग रहा है तो हम लोग यही रखेंगे, अगर आप लोग बोलेंगे नहीं अच्छा है वी विल रिटर्न दिस बैक, सो प्लीज पुट योर कमेंट्स। दोस्तों घर पे आ चुके हैं, सामान सब कुछ लगाया है मैंने अपनी अपनी जगह पे और मैं आपको क्विकली उसका स्नैप दिखाना चाहता हूँ, जस्ट हैव अ लुक एट इट कैसे किया है अरेंज, अगर आपको अच्छा लगे तो बता देना। आप देख सकते हो कि जो मैंने मेटल फ्रेम लाई थी सो मैंने यहाँ पे लगा दिए। ये टीवी यूनिट भी हम लोग ने लास्ट वीक ऑर्डर किया था, वी वांटेड टू मैच दिस विद द वाइट थीम और अच्छा जा रहा है, वी लाइक दिस। टीवी भी लिया है हम लोगों ने 55 इंच और एलजी का है और क्लैरिटी अच्छी है और 4K यहाँ पे आपको सिग्नल मिलता है बिकॉज नेटफ्लिक्स इज ऑपरेटिंग ऑन 4K और बिकॉज इंटरनेट हाई स्पीड है यहाँ पे, सो इट्स इजियर टू गो विद 4K रिजोल्यूशन। That's it for today guys, video अच्छा लगा तो like करो, stay happy, stay blessed and stay connected.